लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों का मंथन जारी है और इसी चुनावी मंथन से उन चेहरों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जो खुद की जीत तय कर पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद कर सके। हालांकि इस पहल में बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों से दो कदम आगे निकलती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी अब तक 195 सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान कर चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद 2 मार्च को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिले, वहीं सूची में 28 महिलाएं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC नाम शामिल हैं। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश में 51, मध्य प्रदेश में 24, पश्चिम बंगाल में 20, राजस्थान की 15 सीटों पर और गुजरात की 15 सीटों पर, केरल की 12 सीटों पर, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ की 11-11 सीटों पर, जबकि तेलंगाना की 9 सीटों पर और दिल्ली में 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं उत्तराखंड में 3 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की 2-2 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया। वहीं गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, दमन और दीव में भी 1-1 प्रत्याशी के नाम की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। जबकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की तस्वीर साफ करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का भी दौर जारी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को हुई बैठक में छत्तीसगढ़, केरल और कई अन्य राज्यों में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक इन उम्मीदवारों में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। अच्छा डिस्कशन हुआ है, सब सीट्स पे चर्चा हुई है और जैसे CEC का निर्णय आएगा आपको बताएंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा AICC आपको ब्रीफ करेगी। आज तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर CEC में विस्तार चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, जो इंचार्ज स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो CEC का निर्णय होगा आप लोगों के सामने डिस्कशन हुआ और बाद में जो है CEC का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर, कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, प्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द CEC कि ये किसके बारे में, फॉर दिल्ली इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। सचिन पायलट ने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर कहा कि सभी सीटों पर और टिकट वितरण को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई है, सभी पहलुओं पर लोगों की राय मांगी गई, बहुत जल्द CEC का निर्णय सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की इसी बैठक पर कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा चर्चा हुई और CEC की राय थी कि 11 तारीख को फिर चर्चा हो, थोड़ी बहुत ही चर्चा हुई, अगली बैठक 11 मार्च को होगी। दरअसल ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए महज 10 दिन बचे हुए हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी चुनाव कैंपेनिंग से लेकर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान तक में कांग्रेस से आगे दिख रही है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में पीछे क्यों है और इस देरी का खामियाजा क्या कांग्रेस के प्रत्याशियों को तैयारी न कर पाने के रूप में भी उठाना पड़ सकता है क्या?